अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि हम फ्री PNG फाइल, इसके अलावा फ्री वीडियो, फ्री इमेजेस और इसके अलावा फ्री वेक्टर फाइल और इसके अलावा फ्री इलस्ट्रेशन फाइल जो डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी विद आउट कॉपीराइट, किसी भी कॉपीराइट के बग़ैर, जिनका लाइसेंस है कि वो कमर्शियल यूज़ हो सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं जिसमें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं और जिनको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही आसानी से किसी चीज़ को बना भी सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास जो वेबसाइट है वो है PixAway। इस पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी पिक्चर, किसी भी किस्म की पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं विद आउट किसी कॉपीराइट के। बिल्कुल फ्री इमेजेस हैं, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है, फुल HD पिक्चर है जिसको हम सिर्फ एक क्लिक पर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ पर हमने जिस पिक्चर को हमने डाउनलोड करना है सिंपल उस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद इधर ऑप्शन आ जाएगा फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। हमें ये साइज़ पूछ रहा है कि हमको कौन सा साइज़ में ये पिक्चर चाहिए। अगर हम तो हाई रेजोल्यूशन करेंगे तो वो मांगेगा कि मुझे मतलब इस वेबसाइट को साइन अप करो, इस पर अकाउंट बनाओ। तो सिर्फ सिंपल अकाउंट बनाना, अगर आपको इतनी नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा कम साइज़ में चाहिए, तो आप इधर से एक क्लिक कर देंगे डाउनलोड के ऑप्शन पर। हाँ, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, अगर रिकैप्चर जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा, ये बाजू का तो आ जाता है जिसको हमने फिल ज़रूर करना है। बस सिंपल क्लिक कर दें तो ये हो जाएगा, फिल हो जाएगा, डाउनलोड कर लें इस पिक्चर को, बहुत ही आसानी से ये डाउनलोड हो जाएगी जी। ये देखें फ्रेंड्स, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई और ये डाउनलोड भी हो गई। अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर, मैं बताऊँगा कि किस तरह हम इसको अपने किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आगे इलस्ट्रेशन फाइल भी हम डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरह सिंपल, जिस तरह हमने पहले एक इमेज डाउनलोड की, हम ये भी आसानी के साथ ये डाउनलोड कर सकते हैं। हम चाल के तौर पर मैं ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और उसी तरह जिस तरह हमने वो इमेज डाउनलोड की थी, यहाँ हम सिंपल जाकर क्लिक करेंगे और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये भी बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड हो गई। बस यहाँ पर एक कैप्चर, जो रिकैप्चर है वो पूछे तो वो डाल देना, बस सिंपल सा काम है। इसके बाद फिर डाउनलोड पर क्लिक कर देना तो आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, अपने Adobe Illustrator ये मैं किस तरह लेकर जाना है या किसी भी प्रोग्राम में किस तरह लेकर जाना है। अब ऊपर आ गया, इसके अलावा वेक्टर फाइल हो गया, ये भी हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मज़े की वेक्टर फाइल पड़ी हैं, हम इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो भी पड़ी है, हम इसको भी बहुत ही आसानी के साथ फ्री वीडियो, हाई रेजोल्यूशन जो 4K, देखें इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये भी हम बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे इसका लाइसेंस देखें, फ्री फॉर कमर्शियल यूज़, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, चाहे जिधर मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल करें। तो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन जो है ये वीडियो है, हम इसको भी यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वेबसाइट भी आपको अच्छी लगी होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पर, उसका नाम है freepnginage.com। इस पर भी हम बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है PNG फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसके जो बताया गया कि इसमें क्या क्या पड़ा है, किस किस तरह की चीज़ें मतलब PNG फाइल पड़ी हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी PNG फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ YouTube पर आकर क्लिक कर देता हूँ और नीचे यहाँ पर इसने हमको ट्रांसपेरेंट जो है YouTube के आइकन जो हैं वो हमको दे दिए हैं, हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा भी साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हुई या लिस्ट दी हुई है कि हमें किसके रिलेटेड चाहिए। अगर इधर नहीं हम करना चाहते तो हम इधर इस पर सिर्फ सिंपल जाके सर्च कर देंगे तो हमें ये सिंपल ये दिखा देगा कि जो चीज़ हमको चाहिए।
तो यहाँ से हमको यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इसको फ्री पीएनजी फाइल में डाउनलोड करना है, आइकन में करना है या जेपीजी में डाउनलोड करना है। डिफरेंट साइज पड़े हैं, हम आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये वाला फ्री पीएनजी डाउनलोड करके दे, बस सिंपल एक क्लिक कर देना है तो ये फाइल जो हमारी डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है pngmart.com। इस पर भी हम बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े की जो है PNG फाइल वो हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम अपने प्रोजेक्ट में और किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इधर ये सब जो है इसकी कैटेगरी जो पड़ी है, हम इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि किस तरह होगी। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और ये नीचे हमें शो करेगा। इधर से हम प्रिंटर मिसाल के तौर पर या फिर रैम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रिंटर कर लेते हैं। हमने ये डाउनलोड करना है, अपने प्रोजेक्ट में बैनर वगैरह बनाने हैं, कुछ भी बनाना है तो इसमें हम बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, हम इसमें अपने PNG फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल इसमें से कोई भी जो हमको चाहिए हम उसको इधर सिंपल एक क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है तो जिससे हम इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नीचे बताया गया है इसकी डिमेंशन कितनी है, बस एक दफ़ा क्लिक कर देने से ये डाउनलोड हो जाता है। बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वेबसाइट पर। नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी PNG की। इस पर भी हम लातदाद PNG फाइल्स जो हैं ट्रांसपेरेंट फाइल वो हम डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। हम सिंपल किसी भी PNG फाइल पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चाहिए, हमारे कोई रिक्वायरमेंट है तो हम इधर सर्च कर लेंगे, नहीं तो हम जो नीचे पड़ी हैं इनमें से अगर किसी को डाउनलोड करना है तो सिंपल उस पर जाके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरह हम इस अपनी फाइल को जो है अपने अडोब इलस्ट्रेटर या किसी सॉफ्टवेयर में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम अपने जाएंगे डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद हमारे जो हमने पिक्चर डाउनलोड की हैं वो हमारे इधर डाउनलोड फोल्डर में शो हो रही होंगी। तो मिसाल के तौर पर हमने ये वाली पिक्चर डाउनलोड की थी प्रिंटर वाली, हम इसको उठाएंगे सिंपल ड्रा करके अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें जाके छोड़ देंगे। तो वो हमारी जो इमेज है वो आसानी के साथ हमारे जो जो भी है कोलर ड्रा है या अडोब फोटोशॉप है अडोब इलस्ट्रेटर है उसमें जाके ये ओपन हो जाएगी। तो इसको हम आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हमारा ये जो पिक्चर है हमारी सॉफ्टवेयर में आके ओपन हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो इसी के ज़रिए आप तक जल्दी पहुँचेगी। थैंक यू।